स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी या समुदाय, डेफिनेशंस में हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। कम्युनिटी का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जिसमें डिफरेंट स्पीसीज साथ रहती हैं। तो एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन ए नेचुरल एरिया, लिटिल एंड मोर एडजस्टमेंट के साथ जो स्पीसीज हैं वो एक समूह में रहती हैं, तब उस समूह को हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी और पॉपुलेशन दोनों में ही स्पीसीज समूह में रहती हैं। पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स ग्रुप बनाते हैं तब हम उसे पॉपुलेशन कहते हैं। समुदाय में यहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक ग्रुप बनाती हैं तब हम उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे करैक्टरिस्टिक क्या हैं इस कम्युनिटी के। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका है कि ये स्पीसीज डाइवर्सिटी शो करती है, यानी जब डिफरेंट स्पीसीज से बनी होती है तो बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। डाइवर्सिटी यानी विविधता, विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज हैं। अब ये स्पीसीज प्लांट्स की हो सकती हैं, एनिमल्स हो सकते हैं एंड माइक्रोब्स हो सकते हैं। यानी एक कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं जो टैक्सोनॉमिकली एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होती हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी या जातीय विविधता शो करती है कोई भी कम्युनिटी। डिफरेंट टाइप की जो यहाँ ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो टैक्सोनॉमिकली एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं। सेकेंड फैक्टर इसका, ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। यानी हमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ फॉर्म कैसी दिखाई। यहाँ हम प्लांट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये प्लांट्स किस किस तरह के हमें दिखाई देते हैं। कुछ बड़ी हाइट के होते हैं जिन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं, उसे छोटी हाइट के हम श्रब्स या झाड़ियाँ कहते हैं, और जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें हर्ब्स या शाक कहा जाता है। तो ये डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स, ये ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स हो सकती हैं, यानी वृक्ष हो सकते हैं, झाड़ियाँ हो सकती हैं या शाखिए हो सकते हैं। तो डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स एक प्लांट कम्युनिटी का पर्टिकुलर करैक्टर है। अब इसकी स्ट्रक्चर, कोई भी कम्युनिटी यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं जो ये कम्युनिटी बन रही है डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स की, किस तरह से ये अरेंज हैं उसके आधार पर उस कम्युनिटी की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो निर्धारित होती है। तो हम देखते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में जो ट्रीज़ हैं ये ब्रॉड लिव्ड हो सकते हैं। आगे इनमें भी विविधता है, ट्रीज़ हैं, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स, ये तो इनकी हाइट के अकॉर्डिंग इनमें डिफ्रेंशिएशन है या इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब ये ट्रीज़ भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, नैरो लिव्ड हो सकते हैं, ब्रॉड लिव्ड हो सकते हैं। ये ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स, ये किसी भी कम्युनिटी में दो तरह का पैटर्न, स्पाशियल पैटर्न जो है वो दो तरह का दर्शाते हैं। इसे हम कह देते हैं जोनेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। जोनेशन यानी होरिजोंटल लेयरिंग, जोनेशन होरिजोंटल लेयरिंग पाई जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और लाइट में, कि पोंड के अंदर हम तीन तरह की जो जोन्स हैं वो बन जाते हैं। यहाँ तीन तरह की जो इसमें जोनेशन हमें दिखाई देता है पोंड में। इसके अलावा जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर भी हम एल्टीट्यूडिनल और लैटीट्यूडिनल जो जोनेशन है उसे देख सकते हैं। तो ये तो कहलाता है जोनेशन, जो कि होरिजोंटल लेयरिंग होती है। पोंड के अंदर हम लिटोरल जोन, लिमनेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन जो देखते हैं, इस तरह से हमने स्टडी की थी पोंड की। तो ये लिटोरल जोन, लिमनेटिक जोन और ये नीचे वाला, यहाँ पे जो वेजिटेशन है लिटोरल जोन, और जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट होती है लिमनेटिक जोन, और जो इसका नीचे वाला भाग जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती उसे प्रोफंडल जोन कहा जाता है। तो ये होता है जोनेशन। और जितना गहरा तालाब या झील होगी तो वहाँ पर हमें ये क्लियर दिखाई देते हैं। ये तो लिटोरल जोन कहलाता है, ये लिमनेटिक, लाइट पेनिट्रेशन जहाँ तक पहुँचती है, और तीसरा ये कहलाता है प्रोफंडल जोन। तो ये तो होता है जोनेशन किसी भी कम्युनिटी में, जिसका एग्जांपल हम बहुत इजी एग्जांपल दे सकते हैं। तालाब में हमें डिफरेंट जोन दिखाई देते, ये होरिजोंटल लेयरिंग होती है। दूसरा इसमें कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन।
स्ट्रेटिफिकेशन हम जैसे फॉरेस्ट में देख सकते हैं, वर्टिकल लेयरिंग का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। तो किसी डीप फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि सबसे निचला जो पार्ट है वो फॉरेस्ट फ्लोर कहलाता है। यहाँ पर फॉरेस्ट फ्लोर ऊपर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद कुछ हाइट तक यहाँ हम देख सकते हैं कि हर्ब्स होती हैं, फिर उसके बाद श्रब्स होते हैं और सबसे ऊपर ट्रीज़ की कैनोपी पाई जाती है। तो ये कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। डिफरेंस है दोनों में, जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। जोनेशन होता है हॉरिजॉन्टल लेयरिंग, स्ट्रेटिफिकेशन होती है वर्टिकल लेयरिंग। तो ये किसी भी कम्युनिटी का करैक्टर है, जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन उसमें देखने को मिलता है। तीसरा इम्पोर्टेंट करैक्टर है कि प्रत्येक कम्युनिटी में हमें डोमिनेंस दिखाई देता है। सभी स्पीसीज इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती किसी भी कम्युनिटी में, इनमें कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं दूसरों की बजाय जो डोमिनेंट होती हैं, उन्हें डोमिनेंट्स कहा जाता है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, उस स्पीसीज डाइवर्सिटी में से भी कुछ स्पीसीज डोमिनेंट होती हैं, सभी स्पीसीज इक्वली डोमिनेंट नहीं पाई जा सकती। नेक्स्ट करैक्टर है सक्सेशन या अनुक्रमण, इसे हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये इकोसिस्टम डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ पर प्रत्येक कम्युनिटी की एक हिस्ट्री होती है, वो कैसे डेवलप हुई है, तो उसकी जो हिस्ट्री है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, उसे ही हम सक्सेशन या अनुक्रमण करते कहते हैं। तो प्रत्येक कम्युनिटी का एक मुख्य गुण है कि उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, तो ये कहलाता है सक्सेशन। देन नेक्स्ट ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, जो कम्युनिटी है वो न्यूट्रिशनली सेल्फ सफिशिएंट होती है, इसमें ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक पाए जाते हैं, ये एक बैलेंस बनाए रखते हैं यदि बाहर से कोई प्रेशर नहीं पड़े। तो प्रत्येक कम्युनिटी जो है वो न्यूट्रिशनली सेल्फ सफिशिएंट होती है, जिसमें स्वयंपोषी और विषमपोषी जो सदस्य है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट करैक्टर कहलाता है इकोटोन एंड एज इफेक्ट। इकोटोन का मतलब होता है जो दो कम्युनिटी पास पास जैसे पाई जाती हैं, तो उन दोनों कम्युनिटी के बीच का क्षेत्र जहाँ पर दोनों ही आसपास पाए जाने वाली कम्युनिटी के करैक्टर मिलते हैं, ये डाइवर्सिटी में रिच होती है, क्योंकि उसमें दूसरे कम्युनिटी के भी गुण हैं और एडजस्टेंट जो कम्युनिटी उसके भी गुण पाए जाते हैं। तो इस स्पेशल इंटरेस्ट वाले, इकोलॉजिकल इंटरेस्ट वाला ऐसा जोन जिसमें अपने आसपास स्थित कम्युनिटी के करैक्टर्स पाए जाते हैं, उसे इकोटोन कहा जाता है। इसी इकोटोन में एज इफेक्ट यानी दोनों कम्युनिटी का जो किनारा है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, वही इकोटोन बनाता है। तो इसकी खास बात यह है कि स्पेशल इकोलॉजिकल इंटरेस्ट का क्यों होता है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर रिच पाई जाती है, तो दोनों ही आसपास के जो एरियाज हैं, दोनों कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटी की तुलना में इस एरिया में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो अधिक देखने को मिलती है। और फिर है इसमें लास्ट करैक्टर इसका इकोलॉजिकल निश। तो प्रत्येक जो कम्युनिटी है उसके अंदर किसी उस कम्युनिटी में पाई जाने वाली स्पीसीज का फंक्शनल रोल क्या है, वो पाई जाती है, आवास बनाती है, और अब उस कम्युनिटी में उस पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या रोल है, ये इकोलॉजिकल निश कहलाता है। ये भी हम डेफिनेशन से पढ़ चुके हैं। तो ओडम ने कहा कि ये जो इकोलॉजिकल निश है, ये किसी स्पीसीज का प्रोफेशन होता है, और जो हैबिटेट है वो उसका आवास बनाता है, उसका एड्रेस बनाता है। तो हैबिटेट तो हम कह सकते हैं कि एड्रेस है, और उसका प्रोफेशन क्या है, उस स्थान पर रह करके वो क्या कार्य कर रहा है, कम्युनिटी में उसका क्या महत्वपूर्ण रोल है, ये उसका निश कहलाता है। तो ये पर्टिकुलर करैक्टर्स हम इसमें बांट सकते हैं। प्रत्येक कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता होती है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स से बनी होती है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज यहाँ होती हैं, ग्रोथ फॉर्म देखने को मिलती हैं जो ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में बांटी जा सकती हैं। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर को हम बांटते हैं जोनेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन में। जोनेशन का मतलब है हॉरिजॉन्टल लेयरिंग, स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर वर्टिकल लेयरिंग बनाती है। डोमिनेंस सभी स्पीसीज इक्वली डोमिनेंट नहीं होती, कुछ स्पीसीज दूसरों की तुलना में डोमिनेंट पाई जाती हैं। प्रत्येक कम्युनिटी की एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, जिसे हम अनुक्रमण या सक्सेशन कह देते हैं। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशनली वो सेल्फ सफिशिएंट होती है। इकोटोन यानी आसपास स्थित जो कम्युनिटीज़ हैं उसकी तुलना में उनके बीच का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जो स्पेशल इकोलॉजिकल इंटरेस्ट दिखाता है, यहाँ पर डाइवर्सिटी दोनों कम्युनिटी की तुलना में अधिक पाई जाती है, उसे इकोटोन कहा जाता है। और इकोलॉजिकल निश किसी कम्युनिटी में पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या फंक्शनल रोल है, ये उसके निश को दर्शाता है। तो आज हम इतनी स्टडी करेंगे कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक। दैट्स ऑल।